class and today's class, we will start with the second chapter, that is from trade to territory. Fine. And in this chapter, we will see. हम यहाँ देखेंगे second chapter में कि जब Britishers इंडिया आए थे, तो starting में वो क्या था? Trade करना चाहते थे इंडिया में, right? ठीक है? तो कैसे धीरे-धीरे उन्होंने हमारे territory यानी कि हमारे country को जो है क्या करा? कब्जा करा और फिर उसको रूल किया. तो हम देखेंगे कैसे ट्रेड से जो चीज शुरू हुई वो टेरिटरी तक कैसे पहुंची, यानी कि जो ब्रिटिशर्स यहाँ पे ट्रेड करने आए थे, बेसिकली बिजनेस करने आए थे, उन्होंने इंडिया में कैसे अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश किया. फाइंड द ओपनिंग हिस्ट्री बुक चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी एस्टैब्लिशेस पावर. कंपनी से हमारे यहाँ क्या मतलब है? द ब्रिटिशर्स. ब्रिटिशर्स की कौन सी कंपनी थी? द ईस्ट इंडिया कंपनी. तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कैसे द कंपनी यानी कि द ईस्ट इंडिया कंपनी जो तो ब्रिटिशर्स की थी वो कैसे एस्टैब्लिश, उसने अपनी पावर को कैसे एस्टैब्लिश किया. औरंगजेब वॉज द लास्ट ऑफ द पावरफुल मुगल रूलर्स. देखो ब्रिटिशर्स से पहले कौन रूल कर रहे थे इंडिया में? मुगल्स. तो जो औरंगजेब था वो जो मुगल्स का लास्ट सबसे पावरफुल जो है रूलर था. ठीक है. He established control over a very large part of the territory that is now known as India. उसने क्या करा? Control establish किया, यानी कि अपने कब्जे में लिया. धीरे-धीरे क्या करते हैं? Very large part of the territory that is now known as India. यानी कि जिसको आज हम इंडिया के नाम से जानते हैं, जो हमारी कंट्री है, उसके बहुत बड़े पार्ट पे उसने क्या करा था? अपना control establish कर लिया था, यानी कि कब्जा कर लिया था, वहाँ पे रूल करता था. आफ्टर हिज डेथ इन 1707 मेनी मुगल गवर्नर्स जिनको सूबेदार्स भी बोला जाता था एंड बिग जमींदार्स बिगेन असर्टिंग देयर अथॉरिटी एंड एस्टैब्लिशिंग रीजनल किंगडम. धीरे धीरे क्या हो गया? जब औरंगजेब की डेथ हो गई, जो कि सबसे पावरफुल रूलर था लास्ट मुगल्स का, उसके बाद जो छोटे छोटे जमींदार होते थे या सूबेदार होते थे, उन्होंने अपने छोटे छोटे किंगडम यानी अपने छोटे छोटे राज्य बनाने शुरू कर दिए. एज पावरफुल रीजनल किंगडम अमर्ज इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया. अब जबकि क्या हो रहा था कि छोटे छोटे जो है किंगडम बनने लगे, छोटे छोटे राज्य बनने लगे, जो साहूकार थे, जो जमींदार थे, इन्होंने क्या करा? रूल करना शुरू कर दिए. छोटे से जो है पार्ट पे कब्जा कर लेते थे और उस पर रूल करने लगते थे. तो ऐसे क्या हुआ? धीरे धीरे दिल्ली कुड नो लॉन्गर फंक्शन एज एन इफेक्टिव सेंटर. अब जो दिल्ली थी वो एक इफेक्टिव सेंटर नहीं रह गई थी पावर का, यानी कि पहले क्या होता था, मुगल के टाइम पे सारा जो पावर को कंट्रोल होता था सेंटर होता था वो दिल्ली में था, क्योंकि दिल्ली में क्या है, मुगल एम्परर्स रहते थे. तो दिल्ली को जो है पावर का सेंटर कहा जाता था. ठीक है. लेकिन जब क्या हुआ, लास्ट मुगल एम्परर की डेथ हो गई, यानी कि औरंगजेब की जब डेथ हो गई, उसके बाद छोटे छोटे ये सूबेदार होते थे, गवर्नर होते, जमींदार थे, इन्होंने अपनी किंगडम छोटी छोटी बनाने शुरू कर दी. तो जो दिल्ली था वो सेंटर ऑफ पावर अब नहीं रहा था. ठीक है. बट द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी हाउएवर अ न्यू पावर वाज इमर्ज ऑन द पॉलिटिकल होराइजन द ब्रिटिश. अब 18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ तक क्या हुआ? धीरे धीरे क्या हुआ? एक नई पावर उभरने लगी और उस नई पावर को क्या कहते हैं हम, किस नाम से जानते हैं? ब्रिटिश. यानी कि क्या हुआ, जब ये मुगल एम्परर्स के जो टाइम का एंड हो गया, यानी कि उनका रोल जब युद्ध में खत्म हुआ, तो छोटे छोटे ये जमींदार और सूबेदार इन्होंने एस्टैब्लिश किए अपनी छोटे छोटे किंगडम्स. लेकिन जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आ गए तो एक नई पावर जो है एमर्ज होने लगी. ठीक है. जिनको फिर ब्रिटिश पावर बोला जाने लगा, क्योंकि ये सब ब्रिटिशर्स थे, इन्होंने इंडिया पे कंट्रोल करना शुरू किया. तो अब नई पावर पॉलिटिकल पावर कौन आ गई थी? ब्रिटिशर्स थी. डिड यू नो दैट द ब्रिटिश ओरिजिनली केम एज अ स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी एंड वर रिलक्टेंट टू एक्वायर टेरिटरीज. अभी बताते हैं आपको, पता क्या आपको पता है कि जो ब्रिटिशर्स है पहले एक छोटी सी कंपनी के फॉर्म में इंडिया आए थे, एक छोटी सी कंपनी आई थी इंडिया में ब्रिटिशर्स की, जो कि सिर्फ इंडिया में ट्रेड करना चाहती थी और दे वर रिलक्टेंट टू एक्वायर टेरिटरीज. और उनको जो है कोई इच्छा नहीं थी, वो नहीं चाहते थे कि इंडिया की किसी भी पार्ट पे वो कब्जा करें, किसी भी पार्ट को वो एक्वायर कर लें. हाउ
सर्च यानी कि मार्केट कैसे करती, कैसे उन्होंने इंडिया पे कब्जा कर दिया। आए तो कोई छोटी सी कंपनी की फॉर्म में थे इंडिया में, है ना, बिजनेस करने के लिए आए थे, और शुरू में वो जो है रिलेक्टेंट, यानी कि उनकी कोई ऐसी इच्छा नहीं थी कि वो इंडिया पे कंट्रोल करें, लेकिन कैसे तो वो इतनी बड़ी पावर इंडिया में बन गए। इन दिस चैप्टर यू विल सी हाउ दिस केम अबाउट। इस चैप्टर में आपको पता चलेगा कि ये सब कैसे हुआ। अब नीचे की फिगर दी हुई है, इसको देख लेते हैं। बहादुर शाह जफर एंड हिज सन्स बीइंग अरेस्टेड बाय कैप्टन हडसन। कैप्टन हडसन कौन है? ब्रिटिश कैप्टन है। वो किसको यहाँ पे अरेस्ट कर रहे हैं? बहादुर शाह जफर और उनके सन्स। आफ्टर औरंगजेब देयर वाज नो पावरफुल मुगल रूलर। ये हमने देखा था कि औरंगजेब के बाद मुगल्स का कोई पावरफुल रूलर नहीं बचा था। बट मुगल एम्परर्स कंटिन्यू टू बी सिंबॉलिकली इम्पोर्टेंट। लेकिन मुगल रूलर्स ना सिंबॉलिकली, यानी कि जैसे पहले इम्पोर्टेंट होते थे, अब उतने इम्पोर्टेंट रहे तो नहीं थे, लेकिन सिंबॉलिकली इनको थोड़ा इम्पोर्टेंट माना जाता था, यानी कि थोड़ा सा इनको इम्पोर्टेंस मिली हुई थी उस समय भी मुगल्स एम्परर्स को। इन फैक्ट में मैसिव रिबेलियन अगेंस्ट ब्रिटिश रूल ब्रोक आउट इन 1857। 1857 की जो क्रांति थी, जो रिबेल हुआ था, उसने क्या करा था ब्रिटिश रूल को तोड़ने के लिए? ब्रिटिश रूल ब्रोक आउट बहादुर शाह जफर द मुगल एम्परर एट द टाइम वाज सीन एज अ हेजमन लीडर। जब अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने के लिए 1857 का जो रिबेलियन हुआ था, उसमें जो बहादुर शाह जफर है वो सबसे बड़े लीडर के रूप में उभर के आए थे। ठीक है, वॉज सीन एज अ नेचुरल लीडर वंस द रिवॉल्ट वॉज पुट डाउन बाय द कंपनी। जब एक बार उस रिवॉल्ट को, उस रोड को, उस क्रांति को अंग्रेजों ने दबा दिया, बहादुर शाह जफर वॉज फोर्स टू लीव द किंगडम। बहादुर शाह जफर को मजबूर कर दिया गया कि वो अपनी किंगडम को छोड़ दें। एंड हिज सन वर शॉट बीइंग कोल्ड ब्लड। उनके जो सन थे, उनके जो बच्चे थे, जो है बहुत ही निर्दय तरीके से जो है मार दिया गया था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। अब क्या हम देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट में कैसे आई? ईस्ट में मतलब इंडिया में कैसे आई? तब आपको पता है इंडिया कहाँ पर पड़ता है? ईस्टर्न पार्ट में पड़ता है बड़े के। ठीक है, तो हम देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे ईस्ट में यानी कि इंडिया में आई। इन 1600 द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड अ चार्टर फ्रॉम द रूलर ऑफ इंग्लैंड क्वीन एलिजाबेथ I। अब 1600 में क्या हुआ, ईस्ट इंडिया नाम की जो कंपनी थी उसने जो है इंग्लैंड की जो क्वीन थी एलिजाबेथ फर्स्ट, उनसे क्या करा, एक चार्टर साइन करवा लिया। उनसे एक चार्टर ले गया, एक तरह की एक परमिशन ले ली, क्या करने के लिए, ग्रांटिंग द सोल राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट। इंग्लैंड की जो महारानी थी उससे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक तरह की परमिशन ले ली, एक चार्टर में साइन करवा लिया कि ईस्ट में यानी कि ईस्ट की जितनी कंट्रीज हैं वहाँ पे जो भी ट्रेड करेगी वो ये कंपनी करेगी, वहाँ पे जितना भी व्यापार होगा वो कौन करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। ठीक है, दिस मीन दैट नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप इन इंग्लैंड वुड कंपीट विद द ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका मतलब ये था कि इंग्लैंड की कोई भी दूसरी कंपनी जो है ईस्ट में यानी कि पूरब के देशों में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कॉम्पिटिशन नहीं करेगी। कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला कि इंग्लैंड की तरफ से हम ईस्ट में जाके, ईस्ट की कंट्रीज में जाके जो है बिजनेस करेंगे, और हमारे अलावा इंग्लैंड से और कोई भी दूसरी कंपनी ईस्ट में बिजनेस नहीं करेगी। ठीक है, ऐसी परमिशन उन्होंने एलिजाबेथ से ले। ठीक है, With this charter, the company could venture across the oceans, looking for new lands from which it could buy goods at cheap price and carry them back to Europe to sell at higher prices. अब इस charter की मदद से जो company है क्या कर सकती थी, oceans के पार जा सकती थी। ठीक है, इसलिए ताकि वो ऐसी जगहों को ढूंढ सके, ऐसे देशों को ढूंढ सके जहाँ से वो सस्ते cheap price में goods को खरीद सके और वापस आके उनको यूरोप में बड़े यानी कि हाइयर प्राइसेस पे सेल आउट कर सके। यानी कि वो ईस्ट में क्या करते हैं कि बेसिकली वो सस्ता माल खरीदने आए थे ताकि वो वहाँ से सस्ता खरीदे ईस्ट से और वापस जाके यूरोप में महंगे दामों पर बेच दे। ठीक है, द कंपनी डिड नॉट हैव टू फियर कॉम्पिटिशन फ्रॉम अदर इंग्लैंड इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी, क्योंकि उन्होंने जो वहाँ की क्वीन से चार्टर साइन करवा लिया था कि हमारे अलावा और कोई इंग्लैंड की कंपनी जो है इसमें ट्रेड नहीं करेगी, तो उनको
कंपटीशन का कोई खतरा नहीं था, मतलब कि उनको पता था कि हमें जो है हम इकलौती कंपनी है और हमारे पास सारे राइट हैं इंस्ट्रूमेंट ट्रेडिंग करने के, उनको कंपटीशन का भी कोई डर नहीं था। मर्केंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज इन दोज डेज मेड प्रॉफिट प्राइमरली बाय एक्सक्लूडिंग कंपटीशन सो दैट दे कुड बाय चीप एंड सेल डियर। अभी क्या कह रहे हैं, उस टाइम की तो मर्केंटाइल होती थी, यानी कि जो बिजनेस करने वाली व्यापार करने वाली कंपनी होती थी वो ज़्यादा मुनाफा पाने के लिए क्या करती थी, कंपटीशन को ख़त्म कर देती थी, यानी कि वो क्या करती थी दूसरी कंपनी को आने नहीं देती थी, जिससे क्या होता था उनको सस्ते दामों पर कोई चीज़ मिले और वो ज़्यादा प्रॉफिट में उसको सेल कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी ऐसा ही करा, सबसे पहले क्या करा, चार्टर साइन करवा लिया, चार्टर से इंग्लैंड की क्वीन से परमिशन ले ली कि इसमें सारा जो ट्रेड है वो हम ही करेंगे। इससे क्या हुआ, उनका जो है कंपटीशन बिल्कुल खत्म हो गया। अभी क्या कर सकते थे, कंपटीशन नहीं था तो इनको हर चीज़ जो है सस्ते दामों में वहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, और ये ऊँचे दामों पर ले जाकर जो है सेल कर सकते हैं कहाँ पर, यूरोप में। The Royal Charter, however, could not prevent other European powers from entering the eastern markets. ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि जो ये रॉयल चार्टर था जो साइन करवाया था उन्होंने, करवाया था कुछ से, ये जो है जो बाकी यूरोपियन पावर्स थी उनको ईस्टर्न मार्केट में जाने से नहीं रोक पाया था, यानी कि जो और यूरोपियन कंट्रीज थी वहाँ के बिजनेसमैन ईस्ट में आगे जो है बिजनेस कर सकते थे। बाय द टाइम द फर्स्ट इंग्लिश शिप सेल्ड डाउन द वेस्ट कॉर्नर ऑफ अफ्रीका अराउंड द केप ऑफ गुड होप एंड क्रॉस्ड द इंडियन ओशन द पुर्तगीज हैड ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड देयर प्रेजेंस इन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया एंड हैड देयर बेस इन गोवा। अब क्या हुआ, जो ब्रिटिशर्स थे वो ये सोच के आए थे कि हम तो अकेले ही हैं बिजनेस में, यानी कि हम तो अकेले ही ट्रेड में हैं और हमें तो कंपटीशन देने वाला कोई है ही नहीं, लेकिन वो ये परमिशन तो सिर्फ इंग्लैंड की इंग्लैंड से उनको मिली थी ना, यानी कि इंग्लैंड की और कंपनी से उनको कंपटीशन नहीं हो सकता था, लेकिन जो यूरोप की बाकी कंट्रीज थी वो उनको आने से तो कोई नहीं चले नहीं रोक सकती थी, है ना, ना ही ये चार्टर रोक सकता था। तो क्या हुआ, जब तक ये जो इंग्लिश पहले इंग्लैंड की जो शिप है वो वेस्ट कोस्ट पर पहुंची अफ्रीका के, इस उम्मीद में कि अब वो क्या है इंडियन ओशन में जाएंगे और जो है वहाँ से अच्छे कम दामों में सामान खरीद के वापस आ जाएंगे और फिर वो ज़्यादा दामों में बेचेंगे। लेकिन तब तक क्या हुआ था, तब तक जो पुर्तगीज थे यानी कि पुर्तगाल जो देश के लोग थे बिजनेसमैन थे ट्रेडर्स थे वो कहाँ पहुँच चुके थे, ऑलरेडी वो इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट में, यानी कि इस साइड इंडिया कैसे होगा यहाँ पे ऑलरेडी पहुंच चुके थे। ठीक है, कौन पहुंच चुके थे, पुर्तगीज। ठीक है, गोवा में, ठीक है, और उन्होंने गोवा में अपना बेस जो है बना दिया था। In fact, it was Vasco da Gama, a Portuguese explorer, who had discovered this sea route to India in 1498. ये तो आप सबको पता होगा, इंडिया का जो समुद्री रास्ता है यानी कि वेस्टर्न पार्ट से ईस्ट में अंदर आप आते हैं समुद्र के रास्ते से, तो वो रास्ता किसने खोजा था, समुद्र का पुर्तगाल के एक जो है सेलर था जिसका नाम था वास्को डी गामा, उसने ये रास्ता ढूंढा था कब, 1498 में। By the early 17th century, the Dutch, too, were exploring the possibilities of trade in Indian Ocean. Soon, French traders arrived on the sea. अब क्या हुआ, धीरे धीरे देखो पुर्तगीज आ गए, डच आ गए और फिर फ्रेंच ट्रेडर्स आ गए, कुल मिला के ये हुआ कि इंग्लैंड जो ये सोच के निकला था कि अब हमें कंपटीशन देने वाला कोई नहीं होगा, लेकिन सिर्फ वो इंग्लैंड के कॉम्पिटिटर से तो बच पाया, लेकिन बाकी यूरोपियन कंट्रीज के जितने भी ट्रेडर्स थे वो भी धीरे धीरे करके जो है इंडिया में पहुँचने लगे थे और पुर्तगीज को जो है इंग्लिश यानी कि ब्रिटिशर से पहले ही इंडिया पहुँच चुके थे। The problem was that all the companies were interested in buying the same things. अब प्रॉब्लम क्या हुई, जितने भी कंपनीज ये आई थी ये सब लोग एक ही तरह की चीज़ें इंडिया में खरीदना चाहती थी।
उससे पहले हमने यहाँ मर्मेंट टाइप का यहाँ साइड में आपको मीटिंग दिया हुआ है, इसको समझ में लेते हैं. A business enterprise that makes profit primarily through trade by goods cheap and selling them at higher prices. मतलब नहीं क्या होता है, बेसिकली जो सस्ते दामों पे सामान को खरीदता है और मुनाफा कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए उसको ऊंचे दामों पे बेच देता है, उसको हम बोलते हैं मर्मेंट टाइप. अब क्या थी प्रॉब्लम, कि सबको एक ही तरह का सामान जो है यहाँ से खरीदना था. द फाइन क्वालिटीज ऑफ कॉटन एंड सिल्क प्रोड्यूस्ड इन इंडिया हैड अ गुड मार्केट इन यूरोप. अब इंडिया में जो फाइन क्वालिटी का कॉटन मिलता था और जो सिल्क मिलता था, ठीक है, क्योंकि उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती थी, इसलिए यूरोप की कंट्रीज में उनकी डिमांड जो है बहुत ज्यादा थी. पेपर, क्लोव्स, कार्डमम, सिनेमम टू वर इन ग्रेट डिमांड. अब पेपर, काली मिर्च, क्लोव्स, कार्डमम, इलायची, सिनेमन यानी कि दालचीनी, तो ये सब चीजें भी क्या है, ये मसाले भी क्या है, यूरोप में बहुत ज्यादा डिमांड में थे, ठीक है. कॉम्पिटिशन अमंगेस्ट द यूरोपियन कंपनीज इनएविटेबली पुशेस अप द प्राइसेस एट व्हिच दीज गुड्स कुड बी परचेज. अब क्या था कि डचेस भी आ गए थे, फ्रेंच ट्रेडर्स भी आ गए थे, पुर्तगीज भी आ गए थे और ब्रिटिशर्स भी आ गए थे. अब जब इतने सारे ट्रेडर्स हो गए तो क्या हुआ, धीरे धीरे चीजों के प्राइसेस बढ़ने लगे क्योंकि कॉम्पिटिशन बढ़ गया, ठीक है. तो क्या हुआ, अब जो है जितने प्राइस पे, अब सपोज करो इंडिया में से वो कोई चीज यहाँ से खरीदना चाहते हैं, यहाँ पे कोई किसान है या कोई राजा है जिसके पास ये अथॉरिटी है कि यहाँ पे जितने भी चीजें उगाई जाएंगी उसको बेचेगा यहाँ का राजा, सपोज, ठीक है. अब पहले हमने पुर्तगीज आए, ब्रिटिशर्स आए, फ्रेंच पीपल आए, बेल्जियम आए, अब एक चीज को खरीदने वाले चार लोग आ गए तो क्या होगा, बेचने वाला क्या सोचेगा, जो मुझे ज्यादा दाम देगा मैं उसको अपना सामान बेचूंगा, ऐसा ही होता है ना. अगर सिर्फ ब्रिटिशर्स आते, एक कोई भी एक ट्रेडर आता तो वो इसको कम दाम में दे देता, लेकिन अब उसको पता है कि मेरे सामान की चाहे वो क्लोथ था, कार्डमम था, सिल्क था, कॉटन था, कुछ भी था, अब उसको पता है कि खरीदने वाले चार हैं, तो वो क्या है, मन चाहा प्राइस मांग सकता नहीं है. इसका क्या हुआ, प्राइस बढ़ गया. उससे क्या हुआ, अब जो ये ट्रेडर्स थे ये क्या है, सस्ते दामों पे इनको माल मिलना जो है बंद हो गया, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन आ गया था. तो क्या हुआ, अब ये जो है ज्यादा मुनाफा नहीं कमा पा रहे थे एंड इस रिड्यूसिंग द रिड्यूस द प्रॉफिट्स दैट वुड बी अर्न्ड. अब जो है उनका प्रॉफिट कम हो गया, अगर उनको ज्यादा प्राइस पे करना पड़ेगा कोई चीज खरीदने के लिए तो क्या होगा, इनका प्रॉफिट कम होगा. अगर कम सस्ता मिल जाता है ये माल तो वो ज्यादा प्राइस पे बेच के ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं. अब जब उनको यहाँ से सामान ही महंगा मिलेगा तो उनका प्रॉफिट मार्जिन तो हमें अभी कम हो गया है ना. दे ओन द ओनली वे द ट्रेडिंग कंपनीज वुड फ्लोरिश वाज बाय एलिमिनेटिंग राइवल कॉम्पिटिटर्स. अब अगर इनमें से कंपनी, किसी कंपनी को ग्रो करना है यानी कि ज्यादा मुनाफा कमाना है तो क्या करेगी, कॉम्पिटिशन को एलिमिनेट करेगी, खत्म करेगी. वो चाहेगी कि दूसरी कंपनी यहाँ से जो है चली जाए, हमारा कॉम्पिटिशन जो है कम हो जाए या खत्म हो जाए, ठीक है. दो द 17th एंड 18th सेंचुरीज दे रेगुलरली सेम ईच अदर शेप. अब 17th और 18th सेंचुरी तक क्या होता था, जैसे यहाँ से किसी भी कंट्री की शिप निकलती थी सामान लेके, दूसरी कंट्री वाले लोग जो है ट्रेडर जो है वो क्या करते थे, उसकी शिप को सब करवा देते थे, डुबो देते थे, ताकि कॉम्पिटिशन का जो माल जो है डूब जाए और जो है इनका कॉम्पिटिशन कम हो जाए, ठीक है. ब्लॉकेटेड रूट्स या तो रूट्स को ब्लॉक कर देते थे, जाने के लिए तो उनको आगे, एंड प्रिवेंटेड ड्राइवर शिप्स फ्रॉम मूविंग दिस सप्लाईज ऑफ गुड्स. कहने का मतलब तो ये है कि वो सामान को यहाँ से आगे जाने ही नहीं देते थे, क्योंकि वो जाते थे हमारे कॉम्पिटिटर्स कम से कम हो जाने चाहिए. तो वो क्या करते थे, या तो उनकी नाव शिप को डुबो देते थे या फिर उनको आगे ही नहीं जाने देते थे, किसी भी तरीके से जो है उनके सामान को रोकने की कोशिश करते थे. ट्रेड वॉज कैरिड ऑन वेल, आर्म्स एंड ट्रेडिंग पोस्ट वर प्रोटेक्टेड थ्रू फोर्टिफिकेशन. यानी कि फोर्टिफिकेशन क्या होता है, कब्जा करना, बहुत मतलब मुश्किल होता था बिजनेस को करना, और जो है ट्रेडिंग पोस्ट होती थी यानी कि जो बिजनेस करने के ट्रेड करने के जो
चट्टानों होते थे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते थे फोर्टिफिकेशन यानी कि उन पे कब्जा कर लेते थे. दिस एफर्ट टू फोर्टिफाई सेटलमेंट्स एंड कैरी ऑन प्रॉफिटेबल ट्रेड आल्सो लेड टू इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट विद ग्लोबल रूलर्स. अब क्या हुआ इनकी लड़ाई के चक्कर में यानी कि ये जो कब्जा करते थे ये इससे क्या हुआ जो लोकल रूलर्स थे इंडिया में उनके साथ भी इनकी कंफ्लिक्ट्स बढ़ने लगे इनके लड़ाई झगड़े बढ़ने लगे. ठीक है द कंपनी देयरफॉर फाउंड इट डिफिकल्ट टू सेपरेट ट्रेड फ्रॉम पॉलिटिक्स. अब सपोज यहाँ पे जो इंडियन ट्रेडर थे इंडियन रूलर था कोई उसमें जो है कोई सामान इनमें से किसी एक कंट्री को बेचा जिसने उसको ज्यादा दाम दिए. ठीक है अब क्या हुआ सपोज डचेस को बेच दिया उसने लेकिन डचेस की शिप जो है वो ब्रिटिशर्स ने बंद करवा दी. ठीक है तो अब ब्रिटिशर्स कहेंगे हम सस्ते दाम में दूध देंगे रूलर तो उससे ऑफेंड हो जाएगा. ये तो कहेगा ना कि नहीं मैं तो डचेस को ही सेल करूंगा क्योंकि वो मुझे ज्यादा प्राइसेस पे करते हैं. तो इससे क्या हुआ धीरे धीरे जो लोकल रूलर्स थे उनके साथ कंफ्लिक्ट जो है बढ़ने लगे और इंडिया में जो है ट्रेड करना बहुत इनको इसको ब्रिटिशर्स को मुश्किल हो गया. ठीक है तो इसलिए क्या हुआ धीरे धीरे ट्रेड को पॉलिटिक्स से सेपरेट करना जो है कंपनी के लिए यानी कि ब्रिटिशर्स के लिए मुश्किल हो गया. यानी कि अब उनको लगने लगा कि अगर हमें जो है ट्रेड करना है तो हमें यानी कि पॉलिटिक्स में भी इंटरफेयर करना पड़ेगा क्योंकि अगर हम लोकल जो रूलर्स हैं उनके ऊपर कंट्रोल नहीं करेंगे तो क्या होगा उनका ट्रेड अफेक्ट होगा. तो अपने कॉम्पिटिशन से बचने के लिए और जो राइवलरी जो हो चुकी थी इन सबके बीच में उसको कम करने के लिए इनको जो है पॉलिटिक्स के अंदर भी आना पड़ा. लेट्स सी हाउ दिस हैपेंड देखते हैं कि ये सब कैसे हुआ. ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेन्स ट्रेडिंग बंगाल. द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वॉज सेटअप ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर हुगली इन 1651. पहली जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फैक्ट्री थी वो 1651 में हुगली नदी के किनारे पे बनी थी कहाँ पे बंगाल में. This was based from which the company's traders known at that time as factors operated. ये वो जगह थी जहाँ पे से उस समय जो कंपनीज के ट्रेडर होते थे यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारी थे जिनको उस टाइम में हम क्या बोलते थे फैक्टर्स वो ऑपरेट करने लगे यानी कि हुगली नदी के किनारे फैक्ट्री बनाई इन्होंने फैक्टर्स ने फैक्टर्स हम किसको बोलते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ट्रेडर्स थे. The factory had a warehouse where goods for export were stored up. या इस फैक्ट्री में एक वेयरहाउस यानी कि गोदाम था जहाँ पे गुड्स रखे जाते थे स्टोर किए जाते थे एक्सपोर्ट करने के लिए. ठीक है एंड इट हैड ऑफिसेस वेयर कंपनी ऑफिशियल्स से और जहाँ इनका एक ऑफिस एक तो वेयरहाउस था गोदाम था और एक ऑफिस था जहाँ पे इनके जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे यानी कि ऑफिसर्स थे वो बैठते थे. As trade expanded, जैसे जैसे ट्रेड बढ़ा the company persuaded merchants and traders to come and settle near the factory. जैसे जैसे देखो जो ट्रेड बढ़ा तो कंपनी ने क्या करा मर्चेंट्स और ट्रेडर्स को जो है persuaded किया यानी कि उनको बढ़ावा दिया कि वो क्या करें फैक्ट्री के आसपास जो है एस्टेब्लिश हो जाए. अब तो एक जगह फैक्ट्री होगी तो ये चाहेंगे ना कि हमारी फैक्ट्री के आसपास ही ट्रेडर्स आ जाएं है ना मर्चेंट्स आ जाए ताकि हमें बिजनेस करना ज़्यादा ईजी हो जाए. टू ईयर्स लेटर एक ब्राइट गूगल ऑफिशियल इनटू गिविंग द कंपनी जमींदारी राइट्स ओवर थ्री विलेजेस. अब दो साल बाद क्या करा इन्होंने मुगल ऑफिशियल्स को मुगल के जो ऑफिसर्स थे इनको ब्राइट किया यानी कि उनको रिश्वत दी इसलिए ताकि वो जो है कंपनी को यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को तीन गाँव के जमींदारी के राइट्स दे दें. ठीक है वन ऑफ दीज वाज कालीकटा विच लेटर ग्रू इनटू द सिटी ऑफ कैलकटा और कोलकाता एंड इट इज नोन टुडे जिसको आज आप कोलकाता के नाम से जानते हैं. ठीक है जिसको हम कैलकटा भी बोलते थे और उस टाइम पे कालीकटा बोला जाता था. इट ऑल्सो परसुएडेड द मुगल एम्परर औरंगजेब टू इशू अ प्रोक्लेमेशन ग्रांटिंग द कंपनी द राइट टू ट्रेड इन दी फ्री. अब इन्होंने क्या करा औरंगजेब को बोला कि एक फरमान फरमान क्या होता था एक रॉयल एडिक्ट रॉयल ऑर्डर यानी कि एक फरमान इशू करवा लिया जिससे मुगल एम्परर औरंगजेब से जिसने ये लिखा हुआ था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो ड्यूटी फ्री यानी कि बिना किसी टैक्स के जो है ट्रेड कर सकती है यानी कि उनकी जो बिजनेस है उसके ऊपर मुगल एम्परर कोई भी ड्यूटी यानी कि कोई किसी भी तरीके का टैक्स नहीं लगाएंगे.
The company tried continuously to press for more concessions and manipulate existing privileges. अब कंपनी ने क्या करा कि उनको और ज़्यादा concessions मिले, और ज़्यादा जो है उनको business करने की आज़ादी मिले, ज़्यादा concessions मिले, ठीक है, और manipulate existing privileges, और जितने भी अभी तक उनको privileges मिले हुए थे उनको जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाए. Aurangzeb Farman for instance had granted only the company the right to trade duty, जबकि जो औरंगजेब का जो फरमान था वो सिर्फ इतना था कि अब ये जो है यहाँ पे ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते हैं, बिना किसी टैक्स के ट्रेड कर सकते हैं. बट ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी हु वर कैरिंग ऑन प्राइवेट ट्रेड ऑन द साइड वर एक्सपेक्टिंग द टू पे ड्यूटी. लेकिन जो कंपनी के ऑफिशियल थे वो वर कैरिंग ऑन प्राइवेट ट्रेड ऑन द साइड, जो कि वहाँ पे प्राइवेटली बिजनेस कर रहे थे, कार में साइड वहाँ पे ही वर एक्सपेक्टेड टू पे ड्यूटी, उनसे जो है ड्यूटी वसूली जाती थी. यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को तो परमिशन दे दी कि आप ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन जो बाकी कंपनीज थी, जो प्राइवेट कंपनीज थी, प्राइवेट ट्रेडर्स थे, उनको उनको जो है ट्रेड जो है उनका ड्यूटी फ्री नहीं किया गया, यानी कि उनसे अभी भी जो है ड्यूटी पे करने को कहा जा रहा था. दिस दे रिफ्यूज टू पे, जो कि उन्होंने पे करने से फिर मना कर दी, कॉजिंग एन एनॉर्मस लॉस ऑफ रेवेन्यू फॉर बंगाल. जिससे क्या हुआ, बंगाल का जो पूरा एक रेवेन्यू था, जो इनकम थी, वो जो है कम हो गई. अब देखो कहीं पे इनकम ही नहीं आएगी, इनकम किसी शहर की या किसी जगह की कैसे आती है, जब रेवेन्यू कलेक्ट होते हैं, टैक्स कलेक्ट होते हैं. अब ईस्ट इंडिया कंपनी को तो औरंगजेब ने परमिशन दे दी कि आप ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते हैं, आपसे कोई टैक्स नहीं आ जाएगा. बाकी कंपनीज में भी जो वहाँ पे प्राइवेट ट्रेडर्स थे उन्होंने भी इनको देख के जो है ड्यूटी को देने से मना कर दिया, जिससे बंगाल को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ. हाउ कुड द नवाब ऑफ बंगाल मुर्शिद अली खान नॉट प्रोटेस्ट. तो अब ये बात हुई कि जो नवाब था बंगाल का, वो कैसे जो है प्रोटेस्ट नहीं करता, क्योंकि वो मजबूर हो गया था मुर्शिद अली खान प्रोटेस्ट करने के लिए, क्योंकि उसका जो एरिया था, यानी कि बंगाल था, वो जो है लॉस में जा रहा था. ठीक है, ये है. तो क्या हो रहा था, धीरे धीरे जो है हम देख रहे हैं कि कंफ्लिक्ट जो है बढ़ता जा रहा था. ठीक है, इसे आगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. यहाँ तक अभी तक आप जो है इसको एक बार और घर पे स्टडी करेंगे.